कृष्ण मक्खन चुराने के लिए बहुत सी छलें छलते थे। यशोदा शिकायतें सुन सुनकर उन्हें समझाने में बहुत परेशान हो गई है। यशोदा, कृष्ण ने मेरे घर से मक्खन चुराया है। देखो माँ, मैं कितना छोटा हूँ, मक्खन का बर्तन कितनी ऊंचाई पर है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? कृष्ण, तुम दिन ब दिन बहुत नटखट होते जा रहे हो, मुझे तुम्हें दंड देना होगा। वो एक रस्सी का टुकड़ा लेकर आई और कृष्ण को उससे बांधने की कोशिश की। लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ गई। तब वो एक दूसरी रस्सी लाई और उसे इस रस्सी से बांधकर जोड़ दी। फिर भी रस्सी लंबी नहीं हुई। उन्हें लगा कि रस्सी अभी भी दो उंगली छोटी है बांधने के लिए। कृष्ण ने जब देखा कि उनकी माँ नैराश्य और हताश हो गई है, तो उन्होंने यशोदा से अपने आप को बंधवा लिया। कृष्ण को लट्टे से बांध कर वो घर के अंदर काम काज करने चले गई। कृष्ण ने देखा कि वो लट्ठा भी पीछे पीछे आ रहा है। जोड़े को देखा, दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह थी। उन्होंने तुरंत लट्ठे से मुक्त होने के लिए एक योजना बनाई। फिर अपने आप में सोचा, यदि दोनों पेड़ों के बीच से निकल जाऊं, तो छोटी सी जगह से ये लदान नहीं निकल पाएगा, और तब मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस लट्ठे को खींचूंगा, तब रस्सी टूट जाएगी और मैं अपने आप मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने लट्ठे को खींचा, लेकिन जैसी आशा की थी वो रस्सी नहीं टूटी। उन्होंने फिर पूरी शक्ति लगाकर कोशिश की, लेकिन रस्सी टूटने की बजाय वो दोनों पेड़ ही भारी आवाज के साथ भूमि पर गिर गए।
एक चमत्कार हुआ। दो आत्माएं पेड़ से बाहर आए। हम दोनों कुबेर के संतानें हैं। हमारी त्रुटियों के कारण नारद मुनि ने हमें श्राप दे दिया था और हम पेड़ बन गए थे। उन्होंने कहा था कि कृष्ण के छूने से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर वो दोनों कृष्ण के पैरों में गिर गए और मुक्त हो गए। भारी आवाज सुनकर जब यशोदा बाहर आई तो दोनों पेड़ों को जड़ से उखड़ा हुआ पाया और कृष्ण खुशी से उन टहनियों से खेल रहे थे। यशोदा को ये समझ में ही नहीं आया कि कृष्ण ने इतने बरस पुराने पेड़ों को किस प्रकार जड़ से उखाड़ डाला था। अगले दिन कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे